हाय अनिरी, हाउ आर यू? सबसे पहले क्या कहना चाहोगे? काफ़ी समय बाद आप स्क्रीन पे आ रही हैं, और कैसा रहा ये सफ़र इतने टाइम बाद? वो भी इस पे शो पे, तब बाद में बात करेंगे। आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम बाद लोग मुझे वापस से अपनी स्क्रीन्स पर देखेंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि लोगों का क्या ही रिएक्शन होगा। सोशल मीडिया से तो आप जुड़ी हुई रहती है, भले शो ना हो, सॉन्ग्स के थ्रू कोशिश और करती अलग हूँ। अलग, हाँ, कोशिश करती, पूरी कोशिश करती है। और बागिन का जिस हिसाब से आप गले में जो नेकलेस प्रेजेंट कर रही है, क्या कहना चाहेंगी इस शो के बारे में? जब आपके पास फर्स्ट टाइम ये शो अप्रोच हुआ, क्योंकि इसके पहले हमने जितने भी शोज आपके देखे, काफ़ी हटके और डिफरेंट है, ये काफ़ी सुपरनेचुरल शो कहेंगे हम, तो आप क्या इसे किस तरीके से देखती हैं? जब शो मेरे पास पहली बार आया था तो क्योंकि जैसे ही सबको ही पता है कि मैं हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करती हूँ, डिफरेंट किरदार निभाने की कोशिश करती हूँ, तो जब ये शो आया था तब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैंने मना कर दिया था। 6 महीने तक मैं इस शो को मना करती रही, मना करती रही, मना करती रही। बट फिर मेरे को लगा कि यार ये इसको जितना मना कर रही हूँ वो फिर से आ रहा है, फिर से आ रहा है। सो आई थॉट कि ओके ठीक है, आई जस्ट डू इट। और वैसे भी 3 महीने का शो था तब, और उसके बाद ऑफ कोर्स एक्सटेंड हो गया। पर हाँ, बड़ा ही डिफरेंट सा, अतरंगी सा शो है ये, और इट्स अ सुपर नेचुरल शो। इट इज नॉट एन एंटायरली इन एंड आउट सुपर नेचुरल शो। बहुत सारा घर का ड्रामा है, रोमांस है, लव एंगल है, और एंड ऑफ कोर्स आई एम गोना टर्न इनटू अ टाइगरेस भी है। बात करें इच्छाधारी नागिन की, अभी इच्छाधारी बाघ बनने वाले हो आप, तो कैसा शूटिंग शूटिंग किस तरीके से हो रहा है? कुछ डिफिकल्टीज लग रहे हैं नहीं, क्योंकि मैं अलग इच्छाधारी बाघ तो नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आप मुझसे विश मांगोगे और वो पूरी कर देगी। इच्छाधारी तो नहीं है ये। इट्स व्हेन यू स्टार्ट वॉचिंग द शोज व्हेन यू रियलाइज कि देयर इज अ रीजन दैट दिस गर्ल फ्रॉम द विलेज, एक रीजन है कि ये जो लड़की, जो गांव की जो लड़की है, हाउ डज शी बिकम द टाइग्रेस एंड वाई डज माता रानी चूजेज हर टू बी द टाइग्रेस। तो जब भी आप देखोगे तो शुरुआत वो एक नॉर्मल इंसान ही है, आगे जाके कि उसके साथ क्या होता है और कैसे माता रानी उसको आशीर्वाद देती है और वो टाइग्रेस बन जाती है और फिर क्या होता है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगेगा क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। जैसे आप कह रहे हैं ये फर्स्ट टाइम है, आपने इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी कहा है, लेकिन कुछ कुछ क्लिप्स हमने आपके देखे हैं शूटिंग ऑन लोकेशन पे, जहां आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और फिर वो सब कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? तो हम ये क्योंकि शो फिलहाल हम ये शो 1 साल से बनाने की कोशिश कर रहे थे। 3 महीने का शो था और इट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो अपेरेंटली मेरे बर्थडे पर जो था वो शो रिलीज होने वाला था लास्ट ईयर, पर मे बी इट वॉज नॉट द राइट टाइम, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी। लकीली अब इस साल मेरे बर्थडे से पहले ये शो रिलीज हो रहा है, 1 साल हो गया है। तो या आई हैड माई शेयर ऑफ फन ऑन द सेट। जब मेरा बर्थडे था तब मैंने पूरे सेट को, आई ट्रीटेड द एंटायर सेट एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन। बहुत सारा खाना खाया हमने, बहुत सारी केक्स काटे, आप लोग सब भी तो आए थे। सो या इट वॉज फन एंड आई हैव हैड माई शेयर ऑफ फन ऑन द सेट, पर इट हैज बिन अ रोलर कोस्टर राइड ऑल टुगेदर बिकॉज इट वॉज नॉट एन ईजी शो फॉर श्योर। बात करूँ कैरेक्टर्स के, डिफरेंट कैरेक्टर्स है, जीशान है, और भी काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर, उनके साथ कैसा मतलब आपका बॉन्ड रहा? सबसे ज़्यादा मस्ती कौन करता है, और मतलब सेट पे कैसा माहौल रहता है? जैसे अभी शूट आप काफ़ी समय ऑनेस्टली ना, बाद, मेरे को किसी के साथ मस्ती करने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि नहीं मिलता था क्योंकि मेरे दिन में 3 लुक्स चेंज होते थे। एक होता था नॉर्मल गौरी, एक होता था शादी वाली गौरी, एक होता था दुल्हन गौरी, एक होता था बागेन। तो आई हैव नॉट रियली हैड अ लॉट ऑफ फन ऑन द सेट, नॉट इंटरेक्टेड विद अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द सेट। बट ऑफकोर्स मेरे सीन्स अंश के साथ बहुत ज्यादा होते थे, तो मैंने उसके साथ काफी चिल किया है। रोमांच भाई और मृदुला के साथ काफी चिल किया है। सो यार द थ्री ऑफ अस वी हैड अ लॉट ऑफ फन। बात जैसे आपने कहा 3 कॉस्ट्यूम चेंज होते, तो डिफ़िकल्ट टू कैरी, क्योंकि पहले कितने सारे, जितने भी गेटअप काफ़ी हटके ही, अगर कोई हम नोटिस करें तो आपके ये स्टोरी सारी हटके है, ये वाली जो किरदार आप निभा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे कॉस्ट्यूम को लेके, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रही है, ब्यूटीफुल तो है ही, थैंक यू। तो क्या बहुत कहना इरिटेट होती थी मैं एक्चुअली,
मेरे को सुबह उठ के बागिन बनना पड़ता था, फिर नॉर्मल गौरी बनना पड़ता था, फिर शादी के बाद वाली गौरी बनना पड़ता था। तो मैं इरिटेट हो जाती थी क्योंकि इफ यू गाइज हैव सीन माई शोज और व्हाटएवर, मेरे मैं कभी कपड़े पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, मैं सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान देती। मैं अपने मिरर भी नहीं चेक करती व्हेन आई एम शूटिंग, तो ना वो बार बार ये देखना कि यार सब लाइक आई लुकिंग ओके, नो क्या मेरी सब सही लग रहा है, तो वो डिफरेंट, क्योंकि मेरे को वो डिफरेंशिएट करने में बहुत दिक्कत होती थी। कि क्योंकि नॉर्मल गौरी जो थी वो मेकअप नहीं लगाती थी, शादी वाली हल्का सा मेकअप लगाती थी, और जो बागिन है वो तो सेक्सी बागिन अवतार, हमने उसको नाम दिया है सेक्सी बागिन अवतार, तो उसके लिए पूरा एकदम ब्लश ऑन और ये वो सब होता था। सो इट वॉज क्वाइट अ टास्क, इट वॉज क्वाइट अ टास्क, लाइक इट टुक अ विलेज फॉर मी। बट देन हाँ, 12 घंटे होती थी सेट पर, बस सारे सारे सीन्स ऑन टाइम कंप्लीट करके चली जाती थी। और क्या ही चाहिए प्रोड्यूसर को। हाँ, बात करें फैंस ऑडियंस को तो पसंद आ ही रहा है आपका ये लुक और किरदार, मम्मी जी को कैसा लगा जब वो? मैं शो यार, मेरे को लगता है ये शो ही मेरी मम्मी की वजह से कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ गई थी ये शो करने के लिए, बिकॉज शी वॉन्टेड टू सी मी एज अ टाइग्रेस। आई डोंट नो वाई, वो यहाँ बैठे बैठे हंस रही है। और मैं बहुत लड़ाइयाँ की है मेरी मम्मी से जब मैं शूट करके घर आती थी कि आपकी वजह से मैंने ये शो किया है, नहीं करना था मुझे ये शो, बट एक्चुअली आई डन बिकॉज ऑफ माय मदर, वरना मैं सच में ये शो नहीं करती। सो नाउ रिग्रेट नहीं है कि अच्छा है नहीं, किया अभी है? खत्म हो गया ना, तो हाँ, जब कुछ चीजें खत्म होती है तो उसे लगता है कि यार अच्छा ठीक है खत्म हो गई, गुड। ओके। सो या तो लास्टली क्या कहना चाहोगे अपने फैंस को, ऑडियंस को? अभी स्क्रीन पे आप हर रोज आने वाली है, देखने यस, वाली है, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? 8 फरवरी से अतरंगी पर आने वाला है हमारा शो, प्लीज 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 देखेगा। बहुत मेहनत की है मैंने, मैं हर बार ही बोलती हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की है, कर देखना देखना, हर बार ही उतनी ही मेहनत करती हूँ, इसलिए आप लोगों को कहती हूँ कि प्लीज देखना मेरा शो। आई वर्क वेरी 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 हार्ड ऑन दिस वन, और दिस वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स। जिस तरीके से आप लोग मुझे देख रहे हो, आप लोगों को भी पता है कि अंगिरी ने ये कैसे कर लिया, पर हाँ कर लिया। प्लीज वॉच इट, थैंक यू सो थैंक मच। यू। अच्छा लग रहा है ये, काफी मेहनत की वाले इस पे। बहुत अच्छा लग रहा थैंक यू। टर्न के लिए